जी दोस्तों, मुसीकी दावत में आप सबकी सलामती हो। मैं आखिल भट्टी बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। मैं दिल की गहराइयों से जो है नोएल एजाज साहब को और उनकी पूरी टीम को जो कराची के अंदर मौजूद है, इन्होंने मुतहद्दा मसीह काउंसिल की जो पहली मीटिंग की है और सक्सेसफुल मीटिंग की है, मैं उसके ऊपर उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी जो ओवरसीज की कावश थी, जितने भी हम ओवरसीज थे जिनमें बैक्सटर भट्टी साहब थे, मैं था, जोसफ जॉनसन साहब थे, बाबर शाकर साहब हैं हमारे साथ, जस्टिन भट्टी साहब थे हमारे साथ, फिर फिलिप जॉन साहब थे और दीगर हमारे जो दोस्त आरफ जॉन खोखर साहब है, सदीक संधु साहब, पास्टर साहब, पास्टर अफसल साहब, जितने भी लोग हमारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए थे। मैं समझता हूं कि ये 3-4 साल की जो हमारी जो कावश थी, कोशिश थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक कमीशन बन जाए, एक कमेटी बन जाए, एक हम चाह रहे थे, क्योंकि जब आरजू राजो का केस हुआ तो उस टाइम हमें इसकी जरूरत पड़ी थी बहुत ज्यादा। इस चीज को महसूस हुआ था कि कोई ना कोई हमारी कमीशन, कोई कमेटी ऐसी बननी चाहिए। कमीशन तो है, गवर्नमेंट का बनता है, लेकिन ये बड़ी अच्छी कावश है जिसमें समझे कि दोबारा से मैं नोएल चार साहब को सलूट मारता हूं इस बात पे और उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि लोग जो है उनके साथ जुड़े, क्योंकि उन्होंने जो स्टेप लिया है, जो गुलदस्ता बनाया है उन्होंने मिलके, उनके साथियों ने मिलके बनाया है, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान का वाहिद एक गुलदस्ता है जो कि बन चुका है कराची के अंदर और इसका आगाज बाकायदा हो चुका है। पिछले 2 दिन पहले मीटिंग जिन्होंने की है और आगे फिर ये मीटिंग रखने वाले हैं, तो मैं ये समझता हूं कि उन्होंने बगैर किसी होता है लालच के और बगैर सब किसी रंगो नस्ल या किसी डिनोमिनेशन के उन्होंने ये स्टेप लिया है। उसमें सारी डिनोमिनेशंस को भी उन्होंने दावत दी है, नेक्स्ट मीटिंग में भी देंगे वो, तो उन्होंने ये बड़ी अच्छी कावश की है कि मिलजुल के उनके जो साथी हैं वो जो जुड़े हैं, उनको एनजीओ मुख्तलिफ एनजीओ के समझो के उनके एग्जेक्टिव लोग आए हैं, वो भी उनके साथ जुड़े हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग, तो ये बड़ा अच्छा एक गुलदस्ता कराची में इनिशिएटिव हुआ है। तो मैं ये आगे विश भी रखता हूं कि ये इसको लेके पूरे पाकिस्तान में लेके चलें, जिसमें हम जो है आपके साथ ओवरसीज आपके साथ खड़े हैं हर तरह से, और मैं चाहूंगा कि ये इस तरह का, इस तरह की जो और भी लोग, अगर कोई और भी हमारे मसीही बहन भाई कोई इस तरह का गुलदस्ता पाकिस्तान में बनाते हैं जिसमें हमारी माइनॉरिटीज के इश्यूज पे ऊपर हमारे जो भी प्रॉब्लम है उनको लेके चलने के लिए, उठाने के लिए, रेज अप करने के लिए या उनके मसलों को हल करवाने के लिए, तो ये गुलदस्ता जो है उनके लिए काम करे। तो मैं थैंक यू वेरी मच करता हूं ओवरसीज का भी, जिन भाइयों ने सबने मिलके एक सोच दी। सबसे बड़ी बात है इंसान को सोच देना, विजन देना, विजन क्या वो दिया, वो सामने रखा और खुदा का शुक्र है कि आज वो सक्सेसफुल है। तो मैं थैंक यू वेरी मच करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया नोएल भाई और आपकी पूरी टीम का, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा मुझे आप सबको बरकत दें।